मिठाई मांगते थे मेजर साहब, 4 किलो 5 किलो। समस्तीपुर जिला बल की महिला सिपाही, ये हमको नयन सर मेजर साहब जान बुझ के फंसाए है। आत्महत्या के कारणों की तलाश किया जा रहा है और वही हमको सस्पेंड करवाए है। हर बिंदु पर जांच किया जाए। समस्तीपुर में एक महिला कांस्टेबल ने ऑन ड्यूटी सुसाइड कर ली है और सुसाइड के बाद जो मामले का खुलासा हुआ है उसे सुनकर के आप चौंक जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। मामला समस्तीपुर का है जहां पर पति पत्नी पुलिस महकमे में काम करते थे। अर्चना कुमारी 112 के कंट्रोल रूम में कार्यरत थी और बता दें कि बुधवार को देर शाम उसने अपनी लीला समाप्त कर ली, सुसाइड कर लिया। और उसके बाद अब खुलासा जो हो रहा है पति के द्वारा, अर्चना कुमारी के पति जो हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है जो पदाधिकारियों का कृत्य, उसको सुनिए आप किस तरीके से वो आदमी रो रहा है और रो रो करके गिड़गिड़ा करके बता रहा है कि किस तरीके से अधिकारी के द्वारा उसको धोखे से निलंबित किया गया, पति पत्नी को उसके बाद कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, किस तरीके से उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता था जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकी अर्चना कुमारी और उसने ऑन ड्यूटी कंट्रोल रूम में ही सुसाइड कर लिया। सरकारी आवास हमको अलाउ हुआ था, हम लोग बाहर पहले रह रहे थे कुंदन तिवारी का रूम में, तो सरकारी अलाउ हुआ रूम हमको 6/6/2023 को, तो हम गए एक महीने के बाद में मांगते थे मेजर साहब से चाबी की दे दीजिए, बोले ठीक है जाओ दे दो चाबी। चाबी देने के लिए बोले जीपी मुंशी सूरज को, हम जाकर राजे भैया साल मतलब ही दिन भर भी नहीं रहे भैया, शाम को हमको विपुल सर जी पे परवारी फोन किए, कहा हो तुम कैसे शिफ्ट हो गया, हम बोले मेजर साहब के आदेश से शिफ्ट हुए भैया, बोले मेजर साहब नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं बोले हैं इसको, खाली सरकारी रूम में रहने के कारण ये हमको नयन सर मेजर साहब जान बुझ के फंसाए हैं। हम टाइगर में नहीं जाते थे ताजपुर, जबरदस्ती में जाओ ना तुम काबिल लड़का है टाइगर लाइक, गए सर हर महीने हमको सप्ताह में उसको चाहिए मिठाई, सप्ताह में 4 दिन मिठाई, 4 किलो 5 किलो मिठाई। कौन मांग रहे थे आपसे? मिठाई मांगते थे मेजर साहब 4 किलो 5 किलो और देते थे जब मिलने आओ जाओ 5,000 रुपया 2,000 रुपया। क्या नाम है? नयन नाम है उनको, वही फंसाए हमको और वही हमको सस्पेंड करवाए हैं। तो अर्चना कुमारी और उनके पति एक ही जिले में एक साथ काम करते थे, पति को गलत तरीके से फंसाया गया फिर निलंबित कर दिया गया, पति पत्नी ने वरीय पदाधिकारियों के पास जाकर के तमाम तरीके से सफाई दी, गुहार लगाया, अपने आप को निर्दोष साबित करने का कोशिश किया, लेकिन एक पदाधिकारी के द्वारा इन लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जाता था, महिला कांस्टेबल को भी प्रताड़ित किया जाता था। किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था इसके लिए अब तो जांच टीम गठित कर दी गई है। समस्तीपुर जिला बल की एक महिला सिपाही, इनका नंबर 770 था, अर्चना कुमारी नाम था और ईआरएस में पोस्टेड थी और ड्यूटी के दौरान जो है आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों की तलाश किया जा रहा है, अब उनके परिवार वाले को सूचित किया गया है, सूचित होने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुसाइड नोट की बात आ रही है, इस हर बिंदु पर जांच किया जाए। विनय कुमार तिवारी समस्तीपुर के एसपी के द्वारा एसआईटी टीम की गठन की गई है जिनके द्वारा जांच किया जाएगा, पता किया जाएगा किस तरीके से अर्चना कुमारी और उनके पति को प्रताड़ित किया जाता था, किस तरीके से उनको फंसा करके निलंबित किया गया, प्रताड़ना का वो दायरा क्या था कि बर्दाश्त नहीं कर सकी अर्चना कुमारी और अपनी इह लीला को समाप्त कर दिया, सुसाइड कर लिया कंट्रोल रूम में ही। तो ये पूरा मामला समस्तीपुर का है, लेकिन समस्तीपुर के अलावे भी बिहार के कई जिलों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जब महिला पुलिसकर्मियों को प्रताड़ित किया गया उनके वरीय पदाधिकारियों के द्वारा, जिसको जेल नहीं सकी और सुसाइड करने पर मजबूर हुई। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद।